नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपका दोस्त और होस्ट डॉक्टर सचिन तोमर, और आज फिर मैं आपके सामने एक बीमारी के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसे बोलते हैं हम फंगल इन्फेक्शन या फंगल संक्रमण। क्योंकि ये गर्मी के दिनों में बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि गर्मी के दिनों में पसीने आते हैं और उसी के कारण ही सबसे ज़्यादा होता है। और यदि मैं एक बात करूँ आज के टाइम या पिछले 5 साल की बात करूँ, तो ये पिछले 5 साल में यदि होता था तो 3 दिन की दवाई में ठीक हो जाता था। लेकिन आज देखता हूँ मैं तो 15 दिन की दवाई दे रहे हो, महीने की दवाई दे रहा हूँ, तो उसमें भी आराम नहीं मिल रहा। उसका सबसे बड़ा कारण है एलोपैथिक ड्रग, क्योंकि जो एलोपैथिक ड्रग है उसमें स्टेरॉयड का बहुत ज़्यादा प्रयोग हो रहा है, और जिससे कि इम्यूनिटी पावर कम होती है स्टेरॉयड से और इन्फेक्शन का स्तर ज़्यादा बढ़ जाता है। अभी मैं आपको ये बताऊँगी फंगल इन्फेक्शन है क्या, इसके क्या लक्षण हैं, इसके क्या कारण हैं और इसके क्या बचाव हैं, और कुछ प्राकृतिक उपचार बताऊंगा और कुछ इतनी अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा जिससे आप 15 दिन में, महीने या 2 महीने में आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। यदि कुछ ज़्यादा पुराना है तो उसको थोड़ा समय लगेगा, लेकिन जिसको नया है वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, और जो मैं मेडिसिन बताऊंगा वे बिल्कुल नोट करनी है आपको। और उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन का जो बटन है वो ज़रूर दबाइए, क्योंकि यदि आप वो करोगे तो उससे कि जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। फंगल इन्फेक्शन है क्या? कैरोटीन एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो क्या करता है, हमारे जो स्किन है और बालों का निर्माण करता है। जब कैरोटीन पर नमी आ जाएगी या गंदगी आ जाती है तो क्या करता है, फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। इसी के कारण ही स्किन इन्फेक्शन होता है। और इसमें क्या क्या लक्षण है, लक्षण की बात करो तो इसमें सबसे पहले खुजली होती है। कहीं भी जहाँ भी इन्फेक्शन होगा वहाँ पर खुजली होगी, चाहे वो पैरों में हो, और वहाँ पर लाल चकत्ते चकत्ते बढ़ जाते हैं गोल गोल, ठीक है। पैरों में दाने हो जाते हैं, जो नाखून है उसका रंग काला पड़ने लग जाता है, कमज़ोर हो जाते हैं, काले पड़ेंगे और कमज़ोर हो जाएंगे। और वहाँ पर कहीं भी बॉडी पर जहाँ पर इन्फेक्शन होता है सफ़ेद रंग की पपड़ी बन जाती है, कहीं कहीं लाल रंग की पपड़ी बन जाती है, कहीं कहीं फफोले बन जाते हैं। और जो पैर हैं, पैर की जो उंगली हैं उनमें दाने हो जाते हैं, दाने लाल रंग के होते हैं और उनमें बहुत तेज खुजली होती है, कभी कभी जलन भी बहुत ज़्यादा होती है। तो इसके मेन यही है लक्षण जिसकी वजह से आप पहचान सकते हो कि आपको फंगल इन्फेक्शन है या नहीं है। अब फंगल इन्फेक्शन कितने प्रकार के होते हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ। 3 प्रकार के फंगल इन्फेक्शन होते हैं। इसमें जो हम पहली बात करें, पहला है टीनिया इन्फेक्शन। टीनिया इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा होता है और ये गर्मियों के दिन में ज़्यादा होता है, और ये पसीने के कारण होता है, जिसको हम सिंपल भाषा में कह सकते हैं रिंग वर्म भी कहते हैं, या दांत खाज खुजली। इसमें क्या कि लाल चकत्ते चकत्ते से बन जाते हैं और बहुत ही तेज खुजली होती है, कहीं कहीं जलन भी होती है। ये है टीनिया इन्फेक्शन। सेकेंड है, जो सेकेंड की बात करूँ वो है पीडरियासिस वर्सिकुलर। इसमें क्या होता है, ये शरीर के ऊपरी हिस्से पर होते हैं, जैसे जो हमारा अपर पार्ट है उन पर ज़्यादा होएगा, और इसमें क्या है खुजली नहीं होती, लेकिन जो स्किन है वो या तो लाइट हो जाएगी या डार्क हो जाएगी। आपने देखो कहीं कहीं वाइट वाइट हो जाता है बॉडी पर, या कहीं कहीं डार्क हो जाता है, लेकिन खुजली नहीं होती, वो भी एक तरह का इन्फेक्शन है। थर्ड है इंटरट्राइगो। इंटरट्राइगो इन्फेक्शन में क्या होता है, इसमें भी खुजली होती है, लेकिन ये क्या होता है, जहाँ भी जॉइंट होते हैं वहाँ पर ज़्यादा होगा, जहाँ भी मोड़ होगा, जहाँ भी जॉइंट होगा, आपने देखा कहीं कहीं किसी की जॉइंट पे दाद होता है या आपको खुजली होती है, तो वो भी एक तरह का इन्फेक्शन है। इसमें बहुत ज़्यादा खुजली होती है, और जो इसका मेनली कारण है वो गर्मी है, और गर्मी में क्या पसीने जाते आते हैं जहाँ भी जॉइंट होगा, तो वहाँ पर ही ज़्यादा चांसेस होते हैं। अब आप इसके क्या कारण हैं जो जिसके कारण ये इन्फेक्शन फैलता है या होता है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसका जो सबसे पहला कारण ये है, जो व्यक्ति सबसे मेहनत का काम ज़्यादा करता है या परिश्रम ज़्यादा करता है, चाहे वो खेत में करता है, चाहे वो खेलता है, किसी भी में कुछ ज़्यादा मेहनत काम करता है, जहाँ पर ज़्यादा पसीने आते हैं, उसका सबसे बड़ा चांसेस है फंगल इन्फेक्शन का, क्योंकि जहाँ भी पसीना ज़्यादा आएगा वहीं फंगल इन्फेक्शन होएगा। मेहनत काम करने वालों को ये फर्स्ट प्रायोरिटी है इन्फेक्शन होने की। और सेकंड है महिलाओं में। महिलाओं में ये अपर पार्ट में ज़्यादा होता है, चेस्ट में सबसे ज़्यादा होता है, छाती में, क्योंकि वहाँ पर जो स्किन है ये आपस में रगड़ती है, और वहाँ पर फंगल पसीना ज़्यादा आएगा और वहाँ पर जो चांस हो जाएगा फंगल इन्फेक्शन के। थर्ड है कपड़े, जो जहाँ पर कपड़े टाइट पहनते हैं या आप ज़्यादा टाइट कपड़े रहते हैं या ज़्यादा गर्मी में रहते हैं, उसको भी फंगल इन्फेक्शन होने के बहुत चांस हैं, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा सूती कपड़े पहने। और जो व्यक्ति घंटों एक ही पोज में रहता है या सीटिंग का काम ज़्यादा रहता है, या आप ड्राइवर हैं जो घंटों घंटों एक सीट पर बैठा रहता है, पसीने आते हैं, तो वहाँ भी फंगल इन्फेक्शन होने के बहुत ही ज़्यादा चांस हैं। और ये सबसे ज़्यादा क्या होता है, पाँव की जो तीसरी और चौथी
उंगली में सबसे ज्यादा होता है, इसलिए कारण होता है क्योंकि वहां पे जो पसीने आते हैं वही सूखते नहीं है। जो फर्स्ट और फाइव है उसमें तो सूखने के चांस है क्योंकि वहां पर मोजे हैं, लेकिन जो थर्ड और फोर्थ उंगली के बीच में स्पेस है वहां पर ज्यादा इसलिए आता है क्योंकि वहां पर पसीने सूखते नहीं है, ये मेनली कारण है। अब इसमें मैं आपको बचाव बता रहा हूँ कि आप इससे कैसे बच सकते हैं। इसमें सबसे पहले कि जो आप जो मोजे पहन रहे हो वो बिल्कुल सूखे होने चाहिए और जो पाव है वो भी बिल्कुल सूखा होना चाहिए, और यदि आपको लगता है कि आपको पैर में पसीने ज्यादा आते हैं तो वहां पर पैरों में या थोड़ा सा टैलकम पाउडर डाल के आप घर से बाहर निकलिए। कोशिश करिए कि पसीने ना आए, जहां पर आप पसीने आएंगे वहीं पर ये फंगल इन्फेक्शन होएगा। सेकेंड है आप अपने कपड़े, कपड़े आप एक तो टाइट ना पहने और हो सकता है कॉटन के कपड़े जितना हो सके सूती कपड़े पहने, चाहे जीन्स पहन रहे हो आप चाहे कुछ भी पहन रहे हो टाइट कपड़े नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि जहां पर आप ये टाइट कपड़े पहनोगे वहीं भी पसीना आएगा, पसीना आते ही वहीं आपको फंगल इन्फेक्शन के चांस रहेगा। सेकेंड है टाइट कपड़े नहीं पहने, और हो सकता है जैसे आप जिम में जा रहे हो या स्विमिंग पूल में जा रहे हो तो वहां पर नंगे पैर ना जाए, क्योंकि नंगे पैर जाओगे तो वहां पर नमी ज्यादा होगी, नमी होने के कारण वहां पर पसीना आएगा और आपको फंगल इन्फेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है यदि आप हॉस्पिटल में जा रहे हो या वहां पर आप या किसी सार्वजनिक स्थल पर जा रहे हो तो आप कोशिश करना वहां पर पेशाब ना करें, क्योंकि वहां पर बार बार आप करोगे तो वहां पर बहुत ज्यादा नमी रहती है टॉयलेट में और वहां पर इन्फेक्शन होने के बहुत ही ज्यादा चांस है। और यदि आपके किसी के परिवार में फंगल इन्फेक्शन है तो आप उनके कपड़े उनका रहना थोड़ा अलग करें, और जो कपड़े हैं गर्म पानी में धोएं, क्योंकि ये एक दूसरे को लगने के बहुत चांस है। यदि आप उनकी चप्पल है जूते हैं वे भी अलग रखें, क्योंकि ये एक दूसरे से बहुत ही जल्दी फैलता है ये, इसके यदि आप इसका बचाव करोगे तो आपको फंगल इन्फेक्शन होएगा ही नहीं। और हो सकता है तो जितना हो सकता है आप पसीने से दूर रहें, पसीना ना आए ये कोशिश करना, यदि आप पसीना आ रहा है तो उसको अच्छी तरह सुखाएं। अब मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बता रहा हूँ, एलोपैथिक मेडिसिन में इसका कोई इलाज नहीं है, क्योंकि वहाँ पर आप टेम्परेरी रिलीफ मिलेगा। जैसे ही आपने मेडिसिन ली या आपने कोई ऑइंटमेंट लगाया कोई क्रीम लगाई तो आपको आराम तो मिल जाएगा हफ्ता दस दिन, लेकिन जैसे ही आप दवाई छोड़ते हो तुरंत ही आपको ये इन्फेक्शन आ जाता है। लेकिन जो मैं आपको होम्योपैथिक दवाई बता रहा हूँ ये इतनी अच्छी दवाई है, आप इसको थोड़ा टाइम लीजिए 15 दिन या महीना, आप देखो इसमें चमत्कार हो जाएगा और आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे और बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। इसलिए आप इस मेडिसिन को नोट कर लीजिए। इसमें सबसे पहली मेडिसिन है रस्टोक्स, रस्टोक्स आपको 30 में लेनी है। सेकंड मेडिसिन है टेल्यूरियम, टेल्यूरियम भी आपको 30 में लेनी है। आप 30 और 200 दोनों में ले सकते हैं, जैसे मैं आपको 30 बता रहा हूँ तो जरूरी नहीं कि आप 30 में लो, 200 भी ले सकते हो। यदि आपको फार्मेसी पे जा रहे हो 30 नहीं मिल रहे हैं तो आप 200 भी ले सकते हो। थर्ड मेडिसिन है आर्सेनिक, आर्सेनिक भी आप 30 में ले लो या 200 में ले लो। ये आपको तीन मेडिसिन लेनी है, तीन मेडिसिन की आप दो दो बूंद सीधा टंग पे डालनी है, सीधा दो बूंद टंग पे डालनी है। यदि आप जीभ पर नहीं डाल सकते तो आधा कप पानी लेना, तीनों की दो दो बूंद डालनी है और दिन में 3 बार ये आप करना। नेक्स्ट मेडिसिन है जो फोर्थ मेडिसिन है, एक बायोकेमिक आता है, बायोकेमिक 20 जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं BC20। इसमें क्या क्या करना है, आपको दो दो गोली दिन में 3 बार लेनी है। इसको आप चाहे डायरेक्ट भी ले सकते हैं और या पानी के साथ भी ले सकते हैं। ये चार मेडिसिन है होम्योपैथिक की बेस्ट मेडिसिन, मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही बढ़िया नुस्खा है ये फंगल इन्फेक्शन का। चाहे आपके नखून काले पड़ रहे हैं, चाहे आपके जांग में है, चाहे आपके किसी भी पार्ट में आपका फंगल इन्फेक्शन है, और ये ऐसा नहीं कि फंगल इन्फेक्शन के लिए काम करती है, बॉडी में किसी प्रकार की खुजली वहाँ भी आप इसको यूज कर सकते हैं, दाने आ रहे हैं या दाने नहीं आ रहे वहाँ भी मेडिसिन यूज हो सकती है। इतनी बेस्ट मेडिसिन है कि आप लोगे तो आप कहोगे हाँ वाकई में ये इतनी अच्छी मेडिसिन है। आप एलोपैथी में दिखाते दिखाते थक गए होगे और कोई क्रीम लगाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये अंदर से ठीक होगा, बाहर से आप कितना भी आप लेप कर लो, कोई भी क्रीम लगा लो, कोई भी लोशन लगा लो, कुछ भी लेप बना के आप कोई भी नुस्खा लगा लो, बाहर से ठीक नहीं होगा। बाहर लगाना है तो आप खाली नारियल का तेल लगाओ, क्योंकि नारियल का तेल क्या होता है वहाँ पे चिकनाई बनी रहेगी और वहाँ पर ड्राइनेस नहीं आएगी, इसलिए आप नारियल का तेल लगा लिए। तो ये था फंगल इन्फेक्शन। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, यदि मेरा बताने का तरीका आपको अच्छा लगता है, मेरी मेडिसिन आपको अच्छी लग रही है, रेस्पॉन्स आ रहा है, तो मैं चाहता हूँ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि गर्मी के मौसम है और कोई ना कोई आप जिससे भी बात करोगे कहीं ना कहीं वो ईजिंग से खुजली से परेशान है, और कोई ना कोई किसी का दाद है, किसी का खाज खुजली, कहेगा कि मुझे कुछ ना कुछ हो रहा है क्योंकि सभी टाइट कपड़े पहन रहे हैं। तो आप इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, किसी न किसी को आपके दोस्त में, आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप है या फेसबुक फ्रेंड है सबको बताइए। नहीं बता सकते तो ये मेडिसिन जो मैं बता दूँ नोट करके रख लीजिए, कभी आपको लगे कि यहाँ किसी को फंगल इन्फेक्शन है या दाद है आप उसको फट दे दीजिए कि ये मेडिसिन लो और बिल्कुल ठीक हो जाए। और यदि आपको कोई बात मेरी समझ में नहीं आ रही है तो मेरे नंबर है स्क्रीन पर, आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज डालिए, सर मुझे बताइए मेरी समझ में नहीं आ रहा है,
मैं आपके व्हाट्सएप पे ही आपको आंसर दूंगा जितने मैं कोशिश करूंगा। यदि आप कॉल करोगे तो मैं कोशिश करूंगा कॉल रिसीव करने की, जितना हो सकता है मैं आपके लिए हेल्प करूंगा, क्योंकि आपको मैं चाहता हूं कि आप स्वस्थ रहें और आप किसी हॉस्पिटल में अपने पैसे की बर्बादी ना हो और बेकार में धक्के ना खाने पड़े और ना ही अपने शरीर के साथ खिलवाड़ करें। इसलिए मैं आपके लिए हेल्प कर रहा हूँ इतनी, क्योंकि मेरा जो वीडियो बनाने का पर्पज ये है कि आपको स्वस्थ रखने का और ऐसी मेडिसिन बताने का, ऐसी पद्धति द्वारा मैं आपको इलाज बता रहा हूँ जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बिल्कुल भी कोई नुकसान नहीं है। चाहे इसको 15 दिन खा लो, चाहे महीना खा लो, चाहे 6 महीना, ना आपके लीवर में प्रॉब्लम आएगी, ना किडनी पे आएगी, ना कोई हार्ट में आएगी। ये मैं सिर्फ आपके लिए कर रहा हूँ, जो मैं मेहनत करता हूँ आपके लिए, और यदि आप ठीक हो जाओगे तो मैं सोचूंगा कि मेरा वीडियो बनाने की जो मेहनत है वो बिल्कुल सार्थक हो गई। और यदि आप कोई नेक्स्ट वीडियो बनवाना चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बोल दीजिए, डिजीज का नाम लिख दीजिए, तो मैं उसी के बारे में वीडियो बना दूंगा। यदि जानना भी चाहते हो कि मुझे इसकी दवाई बता दीजिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे बोल सकते हो, सर मुझे इसकी मेडिसिन बता दीजिए, मैं वहीं आपको जवाब दे दूँगा, क्योंकि मैं आपके लिए हर समय तैयार हूँ 24 आवर्स। तो इसके लिए आज के लिए इतना ही, नमस्कार।